पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम तो हो गई मगर महंगाई का चिन्ह अब भी काबू न आया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही अशिया खुर्दनोशी कीमतों को ऊपर लग जाते हैं, मगर पेट्रोल की कीमतें कम होते ही चीजें सस्ती नहीं की जाती। आवाम कहती है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो उस रेट पर बेचता नजर आता है। कमिश्नर कराची और उनका अमला कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, जबकि जिले इंतजामिया भी मंजर से गायब है। वहीं दूसरे जानिब दुकानदार माल महंगा होने का रोना रोते नजर आते हैं। ये सब बातें उस वक्त होंगी जब चेक वो बैलेंस होगा गवर्नमेंट का। बैलेंस गवर्नमेंट ऐलान करती है मगर चेक बैलेंस करती नहीं है, और चलो अखबारों में दावा, टीवी में प्रोग्रामों में दावे करती है और कुछ नहीं करती। गरीब आवाम का बिल्कुल नहीं सोच रही। तनख्वाहें हमारी वही हैं, बोला हुआ है कम से कम 32,000 मगर अभी 25 से ऊपर कोई नहीं दे रहा। तनख्वाहें भी उन्होंने अपनी कागज़ों में बढ़ाई हुई हैं, हमें नहीं मिल रही। रेट भी कागज़ों में कम किए हुए हैं, हमें नहीं मिल रहे, ना गोश्त में, ना सब्ज़ी में, ना दालों में, आटा में, ना चने में, किसी चीज़ में कोई रियायत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दावे हैं झूठे। और हम लोग की वो कहना बढ़ गया वाली बात वो ये है कि आवाम तो बढ़ गई है भाई, ख़त्म हो गई है। इसी की यही तो कह रहा हूँ आपको, इस वजह से नहीं हो रहा है कि चेक बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट का, सिर्फ दावे कर रहे हैं। आके चेक करें ना, जुर्माने करें, जो नहीं कर रहा उसके खिलाफ़ कार्रवाई करें, उठाएँ, बंद करें उनको। ये आते नहीं हैं, सिर्फ ज़ुबानी दावे करते हैं, बातें करते हैं, वहीं से चीखते चलाते हैं प्रोग्रामों में, और हमें ऐसे ही रखा हुआ है, आवाम को मार रही है आवाम को। इनको चाहिए कम करना चाहिए रेट भाई, गरीब बेचारा क्या करेगा, सब्ज़ी खाएगा ये खाए बराबर ही है। साफ महंगाई इतनी है कि गरीब खा नहीं सकता, इतना सोचना चाहिए लोग। हुकूमत इनको भी कम करना चाहिए ना, हुकूमत ने कम कर दिया तो भाई, पर ये लोग तो नहीं कर रहे ना रेट, ये तो बढ़ा रहे और बढ़ा रहे ये लोग। हुकूमत ये बोलो रेट थोड़े कम कराए, इनकी मेहरबानी होगी इनकी, गरीब बेचारे क्या करेंगे, बच्चे स्कूल पढ़ते खाते। सही बात है, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि मतलब ये है कि महंगाई कम कर दे। आगे गरीब है, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते, फीसें मांगते, वो परेशान हो जाते हैं, कोई बुक भी नहीं इंसान ले सकता, खाना खाएं, हम लोग महंगाई के कराए भरें या हम लोग ये चीज़ें लें। हम लोग मुर्गी तक नहीं खा सकते कि इतनी रेट लगा के रखी होती है, जब कोई आते हैं ये भाग जाते हैं, फिर वही रेट लगा के बैठ जाते हैं, क्या इंसान करे। आटा इतना महंगा है, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ की ये है कि कमी नहीं हो रही है। आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग थोड़ा गरीब की देख के, कोई बच्चों के तसल्लुक देख के तो थोड़ी कम करवा दे, तो आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी, हम आपको दुआ दे सकेंगे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हो जाएगा। आवाम का मजीद कहना है कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, कीमतों के बढ़ते ही फल सब्जी गोश्त हर चीज कीमतें आसमान से बातें करती हैं, लेकिन बाद में कीमतें कम होती दिखाई ही नहीं देती। बस दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ता है।